कुशराज स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के नोटबुक तैयार किया जाते हैं। सभी प्रकार के नोटबुक लेने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, बनवाने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है सिरारी रोड, चिवाड़ा, शेखपुरा, प्रोप्राइटर सुजीत जी। मोबाइल नंबर है 9693265914, 8651243349। महागठबंधन सरकार के पुलिस प्रशासन में बड़ी फेरबदल। 2022 साल के आखिरी दिन बिहार पुलिस और प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल किया गया। 14 IAS और 45 IPS का ट्रांसफर किया गया। भागलपुर, मुजफ्फरपुर SSP सहित 14 जिलों के SSP भी बदले गए। वहीं मानवजीत सिविल लॉ DIG बनने के बाद भी पटना के कप्तान रहेंगे। हालांकि यह निर्णय महागठबंधन सरकार में BPSC पेपर लीक होने के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर IAS IPS अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। 14 IAS की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। वहीं 23/12/2022 के BPSC प्रथम पाली पेपर लीक विवाद के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के सेक्रेटरी अमरेंद्र कुमार को भी हटाकर लखीसराय जिले का नई TM बनाया गया है। वहीं प्रमोशन पाने वाले हर स्तर के IPS अधिकारियों की नई और बड़ी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सौंपी है। बतौर IG मद निषेध इकाई की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और प्रमोशन के बाद भी इस इकाई को संभालेंगे। IPS आलोक राज को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का नया DG बनाया गया है। IPS अमृत राज को इस बार IG से ADJ बनाया गया है। वहीं सबसे आश्चर्य वाली बात तो यह है कि इस ट्रांसफर और पोस्टिंग में IPS मानवजीत सिंह ढिल्लो को DIG बनने के बाद भी अगले आदेश तक पटना के SSP के पद पर बने रहेंगे। आनंद कुमार को भागलपुर का SP बनाया गया है। कैमूर SP राकेश कुमार को मुजफ्फरपुर का नया SP बनाया गया है। रोहतास के आशीष भारती को आपका नया SSP बनाया गया है। वह 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद BPSC सचिव अमरेंद्र कुमार की खूब आलोचना की गई है। आलोचना के बाद अमरेंद्र कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं लखीसराय जिले के पूर्व DM संजय कुमार जी को मुंगेर प्रमंडल का कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा पूर्णिमा कोसी मुंगेर और तिरहुत में नए नर की नियुक्ति की गई है। संतोष कुमार रंजना, स्टेट हेड की खास रिपोर्ट।